आदाब, जय हिंद। आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम सबक नंबर एक, गुजरे हुए ज़माना, सवाल नंबर एक, इस हिस्से में बरसात की अंधेरी रात की मंजर कशी कर वाले जुमले की तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पे जो है कौन से मंजर कशी मतलब जो बरसात की अंधेरी रात में जो जो बातें इसमें बताई गई हैं उसको लिखना है। तो इसमें है, बरसात की ये रात बहुत अंधेरी और डरावनी है, काली घटा छाई हुई है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी आंधी जोर से चलती है। तो उम्मीद है कि वाला सवाल समझ में आ गया होगा इसका जवाब। नंबर सवाल नंबर दो, बूढ़े की नेकी के काम लिखिए। बूढ़े की नेकी के काम हैं रोज़े रखना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, मस्जिदें और कुएं बनवाना, भूखों को खाना खिलाना, ये उसके काम थे नेकी के। नंबर तीन, सवाल नंबर तीन है, अपने भला चाहने वालों के साथ बूढ़े का क्या सलूक था। बूढ़ा अपने चाहने वालों के साथ बेमुरव्वती और गज हल्की से पेश आता था, जो लोग अपना भला चाहते थे उनसे। सवाल नंबर पाँच चार, बूढ़े के माँ बाप, भाई बहन और दोस्त उससे क्या कहते थे। उससे जो है वो कुछ बातें कहते थे। अलिफ है, अभी वक्त, अभी भी वक्त है, जैसे कहते हैं ना भाई अभी वक्त है, कल कर लो काम। दूसरा कहते थे, हाय बेटा वक्त गुजर गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वक्त सबसे बड़ी दौलत है। हाय वक्त गुजर गया। तो ये इसके सवाल जवाब थे, और आगे भी कुछ सवाल जवाब हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसके बाद है सवाल सही का, सही सफर सही का निशान लगाए। नंबर एक है इसमें, वे दुल्हन कौन थी ये बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बूढ़े की बहू थी, बूढ़े की बेटी थी, हमेशा रहने वाली नेकी थी, बूढ़े की बीवी। तो जाहिर बात है हमेशा रहने वाली नेकी। इसके बाद अगला है, दुल्हन को अपना बनाने के लिए बूढ़े को क्या करना होगा। लिखिए भाई, दुल्हन को अपना बनाने के लिए बूढ़े को इंसान की भलाई और बेहतरी का काम करना होगा, क्योंकि नेकी वो काम है जो इंसान की मौत के बाद भी जारी रहती है। ज़ाती इबादत और नेकियां इंसान के साथ ख़त्म हो जाती हैं। सवाल नंबर तीन है, दुल्हन पास आकर वापस क्यों चली गई। सही जवाब पर सही का निशान लगाएं। इसमें कई ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है तीसरा नंबर, बूढ़े ने कौम की भलाई का कोई काम नहीं किया था, इस वजह से वो दुल्हन पास आकर वापस चली गई। बूढ़ा बेहोश क्यों हो गया, बूढ़ा जो था बेहोश क्यों हो गया। वो बहुत कमज़ोर था, बहुत मायूस था, उसके दिल पर बहुत बोझ था, अब ऐसा करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। जवाब नंबर चार है, अब ऐसा करने के लिए बूढ़े के पास वक्त नहीं था। सर सैयद ने कौम के नौजवानों को क्या पैगाम दिया, अपने अल्फाज में लिखिए। तो आप चार पांच लाइन लिख दिएगा, सर सैयद ने कौम के नौजवानों को पैगाम दिया कि अपनी कौम की हर भलाई की हर मुमकिन कोशिश करो, ताकि आखिर वक्त में इस बूढ़े की तरह पछताना ना पड़े। उनका कहना था कि हमारा ज़माना तो गुजर गया, अब तुम आगे बढ़ो और कौम की भलाई के काम करो। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, असल नेकी और भलाई क्या है। जवाब है, असल नेकी और भलाई से मुराद है वो काम जो दूसरे की फलाह बहबूद के लिए किए जाए, यानी दूसरों की भलाई के लिए किए जाए। बूढ़े किन कामों को नेकी और भलाई का काम समझता था। बूढ़ा नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को नेकी और भलाई का काम समझता था। बूढ़े की बेचैनी और बेकरारी को किस तरह करार आया। जब उसके कानों में माँ की आवाज़ पड़ी, उसने देख आँखों खोली तो देखा कि उसके इर्द गिर्द उसके अजीज़ो अकारीब खड़े हैं।
उसने राहत की सांस ली और हकीकत से वाकिफ हुआ कि वो ख्वाब देख रहा था, इस तरह उसकी बेकरारी को करार आया। कौम के नौजवानों को सर सैद ने क्या पैगाम दिया? सर सैद का ख्याल बहुत रोशन और तरक्की पसंद था। वो पहले ऐसे शख्स थे जो हर लम्हे मुसलमानों की तरक्की और फलाह की बात करते थे। उन्होंने नौजवानों को पैगाम दिया कि अपनी कौम की भलाई व तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करो, जिससे कौम का नाम रोशन हो और वे तरक्की की राह पर गामजन हों।